आलमी तेल मार्केट पर अजारादारी की जंग, सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में इजाफा कर दिया। यौमिया इस्तेदाद 1,20,00,000 बैरल हो गई है। सऊदी अरब ने यौमिया तेल की पैदावार में तारीखी इजाफा कर दिया। सऊदी अरब की तेल की यौमिया पैदावारी सलाहियत 1,20,00,000 बैरल से ज्यादा हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी आरामको के अहलकारों और सऊदी वजीर तमानाई ने बताया कि 1 अप्रैल को खाम तेल की पैदावार 1,20,00,000 बैरल रही। इससे कबल सऊदी अरब 1 दिन में 1,10,00,000 बैरल तेल पंप करने में कामयाब हुआ था। इससे आरामको ने तेल की यौमिया पैदावार 1,23,00,000 बैरल तक बढ़ाने का इंतजार दे दिया। आरामको का कहना है कि वो अपना टारगेट हासिल करने में कामयाब हो गई है, जो कि कंपनी की ऑपरेशनल सलाहियत और सऊदी अरब की मार्केट शेयर जीतने की जंग के अज़्म का सबूत है। आरामको ने तेल बर्दार टैंकरों की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 1,88,00,000 बैरल तेल से 15 टैंकर भर गए हैं। आरामको ने पैदावार में इजाफे के साथ साथ ग्राहकों को कीमतों में भी छूट दे दी है, जिससे तेल की सनत में खातिर खास तब्दीली देखने में आई है। हाल ही में तेल पैदा करने वाले ममालिक की नुमाइंदा तंजीम ओपेक और रूस के माबेन 3 साला मुआहदा खत्म हुआ है। रूस ने कोरोना वायरस के फैलाव से निमटने के लिए तेल की कीमतों में कमी की हिमायत करने से इनकार कर दिया था, जिसके रद्द अमल में ओपेक ने तेल की पैदावार पर तमाम पाबंदियाँ खत्म कर दी थी।